फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक नया चैप्टर है हम चैप्टर पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ फोर्स है। जैसे हमने जब फोर्स स्टार्ट किया तो हमने कहा कि स्ट्रिंग रस्सी टाइट हो जाती है ना, जब हम ब्लॉक्स के बीच में रस्सी लगाते हैं रस्सी टाइट हो जाती है क्योंकि रस्सी में फोर्स आ जाती है। उस फोर्स को, रस्सी की फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। फिर हमने क्वेश्चंस किए कनेक्टेड मोशन के फोर्स चैप्टर में और हमने टेंशन की वैल्यू निकाली, रस्सी के अंदर कौन कितनी फोर्स एग्जिस्ट करती है इसकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की। फिर उसके बाद हमने पुली किया, पुली में स्ट्रिंग्स आए, वो सब कनेक्टेड मोशन की कैटेगरी थी। अब सोचो अगर मैं नया चैप्टर का नाम दूं टेंशन, हम टेंशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कोई अजीब सी बात है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फोर्स। उसी तरीके से फ्रिक्शन भी कुछ नहीं है, एक फोर्स है। फ्रिक्शन की फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं और इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये इस चैप्टर का काम है। रूल नंबर वन, इस चैप्टर में फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट ही होगी। पहला पॉइंट क्लियर है? तो बॉडी जब भी आगे मूव करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर होगी, पीछे ही होगी, राइट? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम काम करेंगे, इसके ना कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपने वॉयलेट कर दिया आपका न्यूमेरिकल गारंटेड गलत हो जाएगा, और अगर हमने रूल के साथ काम किया आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो क्या रूल्स हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो बॉडी की मोशन को रोकती है या रिटार्ड करती है, ऐसा हमने सीखा। तो मेरा पहला रूल या पहला क्वेश्चन फ्रिक्शन को स्टडी करने के लिए जो आपको क्लियर होना चाहिए कि सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड है और ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाई कहां पर, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैंने क्या लगाई, इसके ऊपर फोर्स लगाई। क्लियर है यहां तक? तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी ब्लॉक के ऊपर, राइट कि लेफ्ट? लेफ्ट करेगी। वो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लगेगी, ब्लॉक पे लगेगी कि ग्राउंड पे लगेगी? यहां पर दो बॉडीज हैं, एक ब्लॉक है और एक ग्राउंड है, तो कहां पे लगेगी, ब्लॉक पे कि ग्राउंड पे? फ्रिक्शन जमीन पे ही लगती, जमीन रफ है, तो किस पे लगेगी, अभी भी ब्लॉक, दोनों पे। अच्छा ओके, रूल नंबर वन, यहां पर कौन मूव कर रहा है, ब्लॉक। ग्राउंड पहले भी रेस्ट पे, ग्राउंड अब भी रेस्ट पे, तो कौन रोकेगा इस ब्लॉक को मूव करने से, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, ग्राउंड किस पे लगाएगा, ब्लॉक। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे बनाऊंगा मैं, ब्लॉक पे, ब्लॉक पे, ठीक है, ब्लॉक पे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे लगी, ब्लॉक पे, ठीक है, जो इसकी मोशन को रोकेगी। अगर ग्राउंड पे लगी तो फिर ब्लॉक कहता है मेरे पे तो लगी नहीं, मैं तो चलता हूं यार, मेरे को कैसे रोकोगे, मैं तो मूव करता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लॉक रुकता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, न्यूटन का थर्ड लॉ अपना रोल प्ले करता है यहां, जो लोग कंसिडर नहीं करते। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे एफ फोर्स लगाई तो दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पे एफ फोर्स लगानी ही है, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स कहां लगी, लेफ्ट। किसने लगाई, ग्राउंड ने। तो ब्लॉक कहता है देख ग्राउंड मैं भी लगाऊंगा तेरे ऊपर और इक्वल एंड ऑपोजिट लगाऊंगा। तो ग्राउंड फोर्स कहां लगाएगा, ब्लॉक ग्राउंड पे फोर्स कहां लगाएगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको ये अजीब बात है, ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, क्योंकि सुन के भी क्या करोगे। ग्राउंड कहते हैं मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, अर्थ कहती है जितनी मुझे फ्रिक्शन लगाओ मेरे को फर्क नहीं है, क्योंकि मेरी मोशन, मैं तो पहले भी रेस्ट पे हूं, मैं अब भी रेस्ट पे हूं। इसलिए आपकी किताबें सिर्फ एक ही वेक्टर ड्रॉ करती हैं, ऊपर वाला। वो कहते हैं नीचे वाले के साथ न्यूमेरिकल होना कहां है, इसको दिखाती नहीं है, पर अदरवाइज रूल नंबर वन ये होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट है, राइट? ये कुछ कुछ वैसी फील दे रहा है जैसे कनेक्टेड मोशन के न्यूमेरिकल्स है। टेंशन अंदर ही अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर ही अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्या है, पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है यहां तक?
तो ये फोर्स ब्लॉक पे लगी, ग्राउंड ने लगाई, ये फोर्स ग्राउंड पे लगी, ब्लॉक ने लगाई, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है और ये एक और ब्लॉक है, इस बार ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है और नीचे ग्राउंड इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। यहां पे फ्रिक्शन है तो बुक्स में ऐसा निशान होता है फ्रिक्शन का, ये रफ सरफेस का निशान है, फ्रिक्शन है। अब इमेजिन करो मैंने इसके ऊपर राइट की तरफ इसको धक्का मारा और फोर्स लगाई एफ, मैंने फोर्स लगा दी राइट, तो ये ब्लॉक चिपके तो हुए ही नहीं, हल्का सा बस रफ सरफेस है, तो ये ब्लॉक इसकी सरफेस पे स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा, तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगी, छोटे ब्लॉक पे, राइट की लेफ्ट? लेफ्ट लगेगी, क्योंकि आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है ऊपर वाले ब्लॉक पे कहां लगेगी, लेफ्ट, कोई डाउट इसमें? अब ऊपर वाला ब्लॉक कहता है छोटे वाले को, बड़े ब्लॉक को, कि देख तूने मेरे पे फ्रिक्शन लगाई, मैं भी तेरे ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रिक्शन लगाऊंगी। तो ये जो ब्लॉक है नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है? आपने कभी ये सुने कि एक ब्लॉक पड़ा हुआ था, उसके भी एक छोटा ब्लॉक पड़ा हुआ था, आपने छोटे ब्लॉक को हल्का सा पुश किया, बड़ा ब्लॉक ना फ्री में चल पड़ा, आपने छेड़ा भी नहीं, साथ 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 चलना स्टार्ट हो गया, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कब? जब फ्रिक्शन स्ट्रांग है, जब फ्रिक्शन काफी स्ट्रांग है, और स्ट्रांग करूं रफ सरफेस कर दो, और स्ट्रांग करूं फेविक्विक से जोड़ दो, अब इतनी स्ट्रांग है कि बॉन्ड इतने स्ट्रांग बन गए, आप ऊपर के ऊपर फोर्स लगाएगी नीचे वाला फ्री में मूव करेगा, देखो इतने स्ट्रांग बॉन्ड्स हैं, तो फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन हो गई, हो सकता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसलिए आपने अगर नोट किया हो, आप एक सामान उठाते हो दूसरा फ्री में कई बार स्लाइड करता नीचे गिर जाता है, ऐसा बहुत बार होता है, आप कहते हो उठाई तो ऊपर की चीज थी नीचे पर ऐसे गिर गई, आप किताब उठाते हो ज्योमेट्री बॉक्स साथ में गिर जाता है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से साथ चल पड़ता है, ऐसे है। तो ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऑपोजिशन शो कर रही है, ये जो ब्लॉक है ये आगे जा रहा है पर फ्रिक्शन इसे क्या कर रही है, अपोज कर रही है, और इसको फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, इसको फायदा हो रहा है, ये कहते मेरे पे कोई लगा तो था नहीं, मैं फ्रिक्शन की वजह से आगे चलना स्टार्ट हो रही हूँ, और ग्राउंड कहती है मैं इससे कुछ कर नहीं पा रही, रोक पा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी तो सरफेस स्मूथ है, यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ग्राउंड का यहाँ पर कोई रोल है ही नहीं, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ में आ रही है। अब सपोज करो, एक मिनट के लिए मैं डायग्राम चेंज कर देता हूँ, सपोज फिर से एक बार ये बड़ा ब्लॉक है और इस बार ये छोटा ब्लॉक है, ये लो, इस बार मैंने जो फोर्स लगाई वो इस पर लगा दी F, ये लो, और यहां पर फ्रिक्शन है, ये देखो फ्रिक्शन है, क्लियर है? अब बताओ नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स कहां लग रही है, अप्लाइड राइट, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, लेफ्ट, तो यहां पे फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, लेफ्ट, तो बाय रिएक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, राइट, देखो इस पे फोर्स लगाई, कहती है मैं, ये कहती है मैं फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लगाऊंगी, पर बाय रिएक्शन यहां पर फोर्स क्या लगेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट एफ। तो आपने ये भी देखा होगा, आप नीचे के ब्लॉक दो बुक्स रखते हो, एक के ऊपर एक बुक, आप नीचे वाली बुक को धक्का मार रहे हो, ऊपर वाली फ्री में चल रही है, यार ऐसा होता है, होता गया, अभी करके देख लो, ये देखो गिरी ज्योमेट्री, दो होता तो है, अब टेबल पे करके देख लो, ये रख ली दो बुक्स, लो मैंने तो उसको टच भी नहीं किया, और देखो मैं से मूव करवा रहा हूं फ्री में चल पड़ी, और सोचो अगर फ्रिक्शन ना होती ये ना चलती, फिर पता है क्या होता, नीचे खिसक जाती, क्यों? फ्रिक्शन नहीं ना, किसने रोका, फ्रिक्शन ने, फ्रिक्शन नहीं है तो खिसक जाती नीचे से, पकड़ने वाली चीज ही नहीं है कोई, क्या करोगे, स्लिपरी हो जाएगी, बात खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कौन चला रहा है साथ साथ, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसको ऑपोजिशन शो कर रही है, लेकिन इसको फायदा दे रही है, ये कहते हैं अच्छा है मेरे लिए फ्रिक्शन अच्छी है, मैं तो फ्रिक्शन के साथ आगे मूव कर रही हूं, तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो फ्रिक्शन वैसे नहीं जैसे आप सोच के आए हो कि मैं क्लास में आऊंगा, मैं बोलूंगा कि हाँ जी फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, आपको कि ठीक है जो अपोजिंग फोर्स है चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्शन के कुछ रूल्स हैं, ये गेम है, एक समझो, एक गेम के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अगर आपको समझ में आ गए
आपका क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और रूल सही नहीं बैठे दिमाग में, एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, फंसा लेगा आपको, राइट? सबको क्लियर है ये वाला? ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ में आती है। तो अब अगर कोई ये कहता है कि अगर बॉडी आगे जा रही है और फ्रिक्शन की वैल्यू पीछे है, इस स्टेटमेंट ही गलत है। अब ऊपर में ब्लॉक अगर बोलता इससे, पूछो तू कहां जा रहा है, ये कहता मैं तो आगे जा रहा हूं, तेरे पे फ्रिक्शन का एक्ट कर रही है, वो कहता है मेरी फ्रिक्शन तो आगे ही एक्ट कर रही है, आपके सामने आगे जाएगा और फ्रिक्शन भी आगे है, तो स्टेटमेंट ही गलत है कि फ्रिक्शन की फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है। ये तो अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखते हैं तो ये तो डिपेंड करता है कि किस ब्लॉक की बात हो रही है। हाँ, एक स्टेटमेंट जो हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी को अपोज करती है, बिल्कुल सही पढ़ते हैं, वो ये अजम्पशन के साथ ये स्टेटमेंट दी जाती है कि आपने फोर्स उसी बॉडी पे एफ लगाई होगी तो अपोजिशन है। वो स्टेटमेंट ये नहीं है कि आपने कोई फोर्स नहीं लगाई तो फिर भी फ्रिक्शन पीछे है। तो जब आप किसी बॉडी पे कैपिटल एफ फोर्स लगाते हो तो उस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड ही एक्ट करती है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? दो स्टेटमेंट को फिर से सुनना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फिर से देखना। मैं चल रहा हूं, मैंने शायद पहले भी समझाया होगा ये, मैं चल रहा हूं आगे, फ्रिक्शन का एक्ट कर रही है पीछे, ऐसा लगता है, गलत है। आगे आपको क्या, आगे कार चल रही है आगे, टायर की फ्रिक्शन का एक्ट कर रही है पीछे, गलत है तो भी आगे। आपको यार ये क्या यार, आगे आगे पीछे पीछे, ये स्टेटमेंट फिर कहां गई? वो तो हवा में उड़ गई। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल स्टेटमेंट है, ये मुसीबत भी है लेकिन फायदेमंद भी है। देखो जब मैं चलता हूं, ये स्टेटमेंट देखना, फ्रिक्शन पीछे एक्ट करती है स्टेटमेंट, आप क्या सोच के देते हो? मैं आया और मैंने आते ही भाग के आया, यहां कुछ स्लिपरी सरफेस थी हल्की सी, लोग करते भी हैं, नीचे पाउडर गिर लेते हैं, स्कूलों में जाके फर्स्ट प्लेन होते हैं जो खेल रहे होते हैं तो स्लाइड करते हैं भैया, घिसड़ते हुए जाते हैं। तो अगर मैं घिसड़ता हुआ यहां जा रहा हूं ना, तो मेरे पैरों में फ्रिक्शन कहां है? पीछे, आगे नहीं है भाई। तब आपको क्या, सर अभी तो कह रहे थे कि आगे, ये क्या चक्कर है यार? भाई ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, मैं स्लाइड करता हुआ आ रहा हूं और मैं घिसड़ता, मेरा पैर जो है घिसड़ता हुआ आ रहा है, स्लाइड कर रहा है, अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे, पीछे आ रहा है तो फ्रिक्शन आगे। पहली स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, आपने सही बोला, अगर मैं स्लाइड करता हुआ आगे आ रहा हूं, फ्रिक्शन पीछे। मैंने वर्ड चेंज किया, मैंने कहा अगर मैं चलता हुआ आगे आ रहा हूं या मैं भागता हुआ आगे आ रहा हूं, फिर नहीं पीछे। जब मैं चलता हूं तो चलने का प्रिंसिपल ऐसे है, मान लो ये लेग है, है ना, ये पैर है, ये रहा, ये रहा जूता, ऐसे होगा क्या? जब मैं चलता हूं तो मैं पहले अपना पैर पीछे रखता हूं, और जब मैं पीछे रखता हूं फिर उसके बाद जोर लगाता हूं पीछे की तरफ, जब पीछे जोर लगता है तो फिर मैं आगे भागता हूं। सोचो नीचे कीचड़ था, बारिश हो चुकी है, अब भागो गिले पे भागो, आप पीछे पैर करोगे ना, इतना बड़ा पीछे का निशान पड़ जाएगा पैर का, इतना बड़ा, और गिर भी जाओगे अगर ज्यादा फ्रिक्शन है तो। तेल गिर लो, नीचे ऑयल गिरो, भाग के दिखाओ, मतलब ही नहीं है, गिरना 100% गिरोगे अगर ऑयल गिर गया तो। कभी देखा भी होगा ऑयल गिरता तो बंदा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑयल पे, और काफी देर तक, 10 बार साफ करोगे तब भी उसमें वो चिकनाहट रहती है। तो होता क्या, जब आप चलते हो निशान पड़ जाएगा, चल नहीं पाओगे, अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगी नहीं चल पाओगे। अब फ्रिक्शन क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। जब हम चलते हैं अपना पैर पीछे रख के पीछे पुश करते हैं, पीछे जोर लगाते हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है? आगे, हमें हेल्प करती है, क्योंकि जब मैं पीछे जोर लगा रहा हूं फ्रिक्शन आगे। क्लियर? चलने में और स्लाइड होने में फर्क है, घिसटने में और चलने में फर्क है। तो जब भी कोई चलता है तो पैर पीछे लगाता है तो फ्रिक्शन उस इंस्टेंट पर आगे रहती है। समझ में आ रहा है यहां तो? लेकिन जब कोई स्लाइड करता हुआ आता है तो फ्रिक्शन हमेशा पीछे रहती है। हम इस चैप्टर में क्या डील करेंगे? हम चैप्टर में डील करेंगे ओनली स्लाइडिंग, चलने को डील नहीं करते हम, चलने की फ्रिक्शन कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, घिसटने वाली फ्रिक्शन की बात करते हैं। तभी तो छोटी क्लास में जब फ्रिक्शन पढ़ाया जाता है स्टेटमेंट ही जाती है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है,
क्योंकि आपने चलने का प्रिंसिपल कभी किया ही नहीं, भागने का कभी किया ही नहीं, आपने क्या किया, आपने सिर्फ स्लाइडिंग का किया। आपको कहेगा यू ले लो, वी ले लो, ए निकाल दो, भैया वो स्लाइडिंग का है, चलने का नहीं है। कभी बोला है कि मैं चल रहा था विद द वेलोसिटी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो, चलते चलते मेरी वेलोसिटी वी हो गई, मतलब ही नहीं है। चलने के लिए तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो इसलिए हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, राइट, क्लियर है। जब हम एक कॉमन स्टेटमेंट देते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रही है, हम स्लाइडिंग का देते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि बॉडी पे हमने फोर्स लगाई एफ और बॉडी स्लाइड हुई तो फ्रिक्शन पीछे लगी, बात खत्म, बस इससे ऊपर हम सोचते ही नहीं है। पर मैंने आपको जो व्यू दिखाया वो बहुत बड़ा व्यू था, उसमें अब आपको सोच के बोलना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कैसी है। लेकिन आज के बाद जब हम बोलेंगे हम स्लाइडिंग पे काम करने वाले हैं। लेकिन मैंने नॉलेज के लिए बताया आपकी बुक्स में गिवन है एनसीईआरटी में कि फ्रिक्शन जब चलते हैं तो कहाँ एक्ट करती है, तो आप गलत कर देंगे अगर मैं ना बताया, क्योंकि मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को बताना बनता है कि आप एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दे नहीं सकते कि सर फ्रिक्शन हमेशा पीछे एक्ट करती है। जब मैंने ब्लॉक्स के ऊपर पूछा फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करती है, तो अगर आप स्टेटमेंट दोगे नहीं जी पीछे एक्ट करती है, तो आप ये नहीं कहोगे, आप कहोगे सर कौन से ब्लॉक पे, मैं बोलूंगा ये वाले ब्लॉक पे, आपको के पीछे, मैं बोलूंगा ये वाले ब्लॉक पे, अब लोग आगे। यानी कि अब डिपेंड करता है कि अब मैंने फ्रिक्शन किसके ऊपर पूछी। क्लियर है यहां तक? तो पहली स्टेटमेंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। अगर मैं कार की एग्जांपल लूं, कार का, कार में लगती है रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, रोल करने वाली कार का ये टायर जो होता है ना, ये देखो ऐसा होता है। कार भी, कार का घूमना और पैर का चलना एक जैसा ही होता है। पैर पीछे जोर लगा रहा है, टायर भी, टायर कैसे घूम रहा है ऐसे, ये वाला पॉइंट टायर का कहां जा रहा है पीछे, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन हेल्प करती है दोस्त। और सोचो जितनी अच्छी फ्रिक्शन होगी टायर बढ़िया तरीके से रोल करेगा। आप मिट्टी बिछा दो, नीचे गीला कर दो, अब फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, फ्रिक्शन जीरो हो गई, चलो जीरो हो गई, अब टायर क्या करेगा, अब घुमाते रहो स्टेयरिंग, पकड़ी नहीं है रोड के साथ उसकी, तो चले घूमेगा ही नहीं, वो कैसे घूमेगा। अब रेस दबाओगे उसके, ठीक है टॉर्क जनरेट होगा, घूमेगा, लेकिन अदरवाइज आप कहो कि इस तरीके से प्रॉपर घूम के कार चला पाओगे, तो चला ही नहीं पाओगे। आप जब कार फिसल रही, जितना भी स्टेयरिंग घुमा लो, इधर घुमाते रहो, उसने उधर जाना है, उधर चली जाना है, खाई में गिरने गिरी जाना है, उसने घुमाते रहो स्टेयरिंग, स्टेयरिंग घुमाने से कुछ बात होती, तो कारें क्या खड्डे में गिरती कभी, बारिशों के दिनों में कभी ना गिरती, वो स्लिप होकर गिर जाती हैं बर्फ में 100%। आप चलाओ बर्फ के अंदर, बर्फ में जो ये जो जब बर्फ पड़ती है, तो अगर तो बर्फ अभी नॉर्मल पड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, अब गाड़ी निकल जाती है, लेकिन अगर कुछ टाइम हो गया और वो हार्ड हो गई, फिर तो मतलब ही नहीं है गाड़ी का उस, और उसमें यही बोल रहा है कि गाड़ी रोकियो मत, कांस्टेंट स्पीड से चलता जा, गाड़ी निकल जाएगी। जहां रोक लिया और स्टेयरिंग घुमा लिए, देखो कार कैसे जाती है, फिर लगाओ 4x4 तब बचोगे, नहीं तो नहीं बचते। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? एडवेंचरस रहते हैं तो वो टायरों पे चेन मिलती हैं, प्रॉपर चेन बांध के, लॉक्स के साथ बांध के, फिर वो टायर घूमता है, चेन भी घूमती है, तो वो फिसलती नहीं है, फिर स्टेयरिंग भी सही कंट्रोल में रहता है, मोटी मोटी चेन्स हैं, फिर उससे गाड़ी बर्फ पे चलती है, फिर फ्रिक्शन पकड़,